हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक एग्जांपल है जो एक्स को रीड करता है, उसका क्यूब रूट प्रिंट करता है, एक्स में 10 ऐड करके उसका क्यूब रूट प्रिंट करता है। कंपाइल करते हैं, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। रन करते हैं, कोई क्यों नंबर देते हैं तो हम जैसे 1000 दें तो 1000 का क्यूब रूट है 10 जो प्रिंट हो गया है, और 10 1000 10 का है 10.00 या 10.033223। दोबारा रन करते हैं, इस बार इनपुट देते हैं 990, तो 990 का है क्यूब रूट है 9.9665555, और उनमें 10 ऐड करने पर 1000 बन जाता है जिसका क्यूब रूट है 10.000। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें हम एक्स को रीड करते हैं, e raise to x power प्रिंट करते हैं, log ऑफ x प्रिंट करते हैं, log ऑफ x ऑन बेस 10 प्रिंट करते हैं, और फिर इन तीनों वैल्यूज को ऐड करके y को साइन कर देते हैं, देन y को प्रिंट करते हैं। सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, रन करते हैं, यहाँ पर कोई वैल्यू दे देते हैं, जैसे हम 2 देते हैं तो ईट दबाव 2 होता है 7.389056, 2 का नेचुरल लॉग होता है 0.693147, और 10 बेस रूट होता है 0.301030, इन सब का एडिशन प्रिंट हो गया। फिर से रन करते हैं, यहाँ पर वैल्यू देते हैं 1, तो 1 लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, नेचुरल लॉग भी और 10 बेस की भी। फिर से रन करें और यहाँ पर वैल्यू देते हैं 2.718282, तो ये ऑलमोस्ट e की वैल्यू दी है, e टू द पावर e होता है 15.154265, नेचुरल लॉग ऑफ e 1 होता है और 10 बेस लॉग 6.434295 होता है, बाद में एडिशन प्रिंट हो गया। एक बार और रन करते हैं, हम 100 इनपुट करके देखते हैं, तो e टू द पावर 100 एक बहुत बड़ा नंबर बनता है, तो कभी भी इस तरह नंबर बने तो इसको प्रिंट करने के दूसरे मेथड हैं जो हम बाद में देखेंगे, परसेंटेज एफ की जगह परसेंटेज ई लिखेंगे, अदरवाइज ये नंबर बहुत ही अजीब लगेगा, ई टू द पावर 100 बहुत अजीब लगेगा, इसमें एक्यूरेसी भी इतनी अच्छी नहीं है, कुछ शुरुआती डिजिट्स को देख छोड़कर बाकी आगे के डिजिट्स एक्यूरेट नहीं है, और बाद में लॉग ऑफ 100 ऑन बेस 10 ऑन बेस ई 4.605173 हो गया, और लॉग ऑफ 100 ऑन बेस 10 2 है। इनका एडिशन इन्फिनिटी इसलिए आया है क्योंकि ये जो नंबर प्रिंट हुआ है ये इसमें 4 to 6 ऐड करने पर ये आउट ऑफ रेंज चला जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है सेल एंड फ्लोर का, तो यहाँ पर हम एक नंबर एक्स रीड करते हैं, उसका सेल प्रिंट करते हैं, उसका फ्लोर प्रिंट करते हैं, एंड सेल एंड फ्लोर का एडिशन प्रिंट कर देते हैं। फिर हम सेल एंड फ्लोर के एडिशन का की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जो वाई को असाइन करते हैं, और फिर उसको प्रिंट कर देते हैं, फिर वाई को उसी का लॉग असाइन करते हैं, नेचर लॉग, और उसको प्रिंट कर देते हैं। कुछ टेस्ट करके देखते हैं, तो हम कंपाइल करके देखते हैं, कंपाइल सक्सेसफुली हो गया, रन करते हैं, और यहाँ इनपुट में हम देते हैं 3,
तो 3 का सेल एंड फ्लोर सेम ही रहेगा क्योंकि 3 इंटीजर है और एडिशन 6 हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू 6 होगी और 6 का जो भी नेचुरल होगा प्रिंट कर दिया। हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं 4.9। 4.9 का सेल है वो 5 है, फ्लोर 4.9 का 4 है, टोटल एडिशन 9 हुआ और 9 के एब्सोल्यूट वैल्यू 9 और नेचर लॉग वॉट एवर। फिर से रन करते हैं, इस बार हम देते हैं -4.8। -4.8 का सेल नंबर -4 है, फ्लोर नंबर -5 है और एडिशन है वो -9 आ गया। -9 का एब्सोल्यूट वैल्यू 9 है और जो भी इसका नेचुरल लॉग है वो प्रिंट कर दिया गया है। अगला एग्जांपल देखते हैं, अगला एग्जांपल है पावर एंड फ्लोटिंग पॉइंट रिमाइंडर के लिए। एक्स और वाई दो नंबर रीड करते हैं, फिर एक्स टू द पावर वाई प्रिंट करते हैं और एक्स मॉड वाई प्रिंट कर रहे हैं। कंपाइल एंड रन करके देखते हैं, कंपाइल किया, अब हम रन करते हैं। यहाँ कुछ नंबर्स देते हैं इनपुट में, जैसे हमने 2 and 2 दे दिया तो रिमाइंडर तो 0 होगा, 2 to the power 2 4 होगा। फिर से देखते हैं 2 and 3 देते हैं, 2 to the power 3 8 होता है, 2 remainder 3 2 by 3 का रिमाइंडर 2 ही होगा। हम 3 and 2 देते हैं तो रिमाइंडर 1.0 आना है जो नेचुरल नंबर्स का है। हम कुछ और कंपाइल कर दिया, रन करके देखते हैं, यहाँ हम देते हैं 1.9 और 1.12। तो यहाँ 1.9 टू द पावर 1.12 होता है 2.05 to 1.26 जो आ गया और फ्लोटिंग पॉइंट रिमाइंडर है 0.78। मतलब हम 190 में 112 का भाग देने पर 78 रिमाइंडर आता है जिसमें 100 का भाग देने पर 0.78 हो जाता है। अगला एग्जांपल देखते हैं, अगला एग्जांपल है वो ट्रिगन एक्स को रीड करता है और बाद में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन एक्स कोस एक्स एंड टेन एक्स की वैल्यू प्रिंट करता है। कंपाइल करते हैं, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, रन करते हैं तो रन करने पर ये कह रहा है एंगल की वैल्यू रेडियंस में दो, हम वैल्यू देते हैं 1.57 जो ऑलमोस्ट पाई बाई 2 है। तो ऑलमोस्ट पाई बाई टू एग्जैक्ट पाई बाई 2 नहीं है, तो यहाँ पर साइन ऑफ 1.52 1 होगा, कोस पाई बाई 2 0 होता है ऑलमोस्ट, तो ये 0.00796 दिखा रहा है और टेंजेंट ऑलमोस्ट इन्फिनिटी होता है जो यहाँ पर बहुत बड़ा नंबर दिखा रहा है। दोबारा रन करते हैं, हम 0 इनपुट में देते हैं तो साइन 0 0 होता है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है और टेन 0 की वैल्यू 0 होती है, परफेक्ट। हम कोई और वैल्यू देते हैं, 1 इनपुट में देते हैं तो साइन 1 की वैल्यू 0.841471, साइन कोस साइन 1 की 0.540302, टेंजेंट 1 की वैल्यू 1.557408 होती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तो यहाँ पर हमने एक्स एक नंबर रीड किया है, बाद में उसका साइन इनवर्स ऑफ एक्स और कोस इनवर्स ऑफ एक्स प्रिंट करते हैं, देन साइन इनवर्स एक्स एंड कोस इनवर्स एक्स का एडिशन प्रिंट करते हैं। कंपाइल करते हैं, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, रन करते हैं, एक नंबर देते हैं इनपुट में कोई रियल नंबर, तो यहाँ पर ये कह रहा है -1 से 1 के बीच में देना है, हम 0.5 दे देते हैं, तो 0.5 साइन इनवर्स ऑफ 0.5 होता है 30 डिग्री, रेडियंस में होगा 0.523599। कोस इनवर्स 0.5 होता है 60 डिग्री जो जस्ट उसका डबल होता है साइन इनवर्स एक्स का,
तो यहाँ 1.047198 हो गया, और इनका एडिशन हमेशा पाई बाई टू रहेगा जो कि ऑलमोस्ट 1.57079796 होता है। हम कोई और वैल्यू देख के देखते हैं, ये -1 से 1 के बीच में देनी है तो -0.5 देते हैं। तो यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ -0.5 है वो -0.523599 है, और कोसाइन ऑफ -0.5 जो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा ये 2.094395 है, और साइन इनवर्स ऑफ 0.5 ये -30 डिग्री, और कोसाइन ऑफ -0.5 है ये 120 डिग्री होगा। तो कोरिस्पॉन्डिंग जो भी रेडियंस में वैल्यू है वो प्रिंट कर दिया है, और उसका समेशन अगेन पाई बाई टू फिर से रन करते हैं। इस बार हम -1 से 1 की बजाय वैल्यू कोई बाहर की दे देते हैं 5, तो उस केस में साइन इनवर्स ऑफ 5, कोस इनवर्स ऑफ 5 एंड उनका समेशन ये नन प्रिंट करता है। नन प्रिंट करने का मतलब समथिंग कुछ ऐसा है जो अपनी रेंज से बाहर है।